बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की ताल ना बीजेपी में गली और ना ही कांग्रेस में गली। शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में उतने सफल नहीं हुए जितने वो फिल्मी पर्दे पर सफल रहे, इसीलिए वो अपने राजनीति के करियर में पार्टी बदलते रह गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो शत्रुघ्न सिन्हा को हार का सामना भी करना पड़ा, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। अब शत्रुघ्न सिन्हा का नया ठिकाना ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो गई है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ टीएमसी ज्वाइन की है और इसके साथ ही उन्हें टीएमसी ने आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव का टिकट थमा दिया है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी है। चुनाव में बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया है उससे शॉटगन भड़क गए हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले सिन्हा का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर मैं आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। दरअसल मामला यह है कि आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें टीएमसी ने शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि आसनसोल से उम्मीदवार बनते ही सिन्हा बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और बीजेपी उन्हें बाहरी बताकर जमकर हमला बोल रही है। इसी पर जवाब देते हुए उन्होंने पूछा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहती जो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। बता दें कि आसनसोल लोकसभा सीट और बौलीगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होना है और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थामे हैं। टीएमसी ज्वाइन करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की थी। वहीं आसनसोल में भी शॉटगन को हराने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए शॉटगन के खिलाफ फैशन डिजाइनर से राजनेता बनी अग्निमित्र पॉल को मैदान में उतारा है। पॉल पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव भी हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से विधायक चुनी गई थी। उन्होंने तत्कालीन टीएमसी उम्मीदवार सयानी घोष को हराया था। ऐसे में अग्निमित्र पॉल से जीत पाना शॉटगन के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आसनसोल में बीजेपी काफी मजबूत है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने शॉटगन पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों के जीवन में कोई विचारधारा या नीति नहीं है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी के लिए कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात कमल है। पॉल ने यह भी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और अब टीएमसी में चले गए और आने वाले समय में वो आप में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने उपचुनाव में भी शॉटगन के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की है। ऐसे में शॉटगन की मुश्किल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब वो अपनी तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।